जय माता दी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका पैसा प्रॉपर्टियों के अंदर बहुत जल्द फंस जाता है या प्रॉपर्टियों के अंदर गलत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जिसके कारण पैसे की बेहद ज़्यादा कमी के योग बन चुके हैं या अपनी ही प्रॉपर्टी होते हुए उसका सुख नहीं मिल पा रहा और वो कैसे ना कैसे करके किसी कोर्ट कचहरी के झगड़े में फंसी हुई है। ऐसा आखिर होता क्यों है और इसके क्या उपाय है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। जन्म कुंडली का जो चौथा घर है वो चंद्रमा का पक्का घर है, यानी कि रुपया पैसा प्रॉपर्टी जायदाद और वाहनों के सुख। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा का संबंध पापी ग्रहों के साथ बन जाए, यानी शनि राहु या केतु के साथ बन जाए, और जिसके साथ भी चंद्रमा का संबंध बना हुआ है या तो उस पापी ग्रह की महादशा आ जाए या अंतरदशा आ जाए या चंद्रमा की दशा आ जाए, उस समय के अंदर प्रॉपर्टियों के अंदर पैसा फंसना, खराब होना, अटकना, क्योंकि चंद्रमा जब खराब होता है तो ऐसे लोगों में थोड़ा चिड़चिड़ापन, इरिटेशन तो जरूर देखने को मिलता है, साथ ही ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा नरम दिली के कारण या अपने लापरवाहियों के कारण बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ ना ध्यान देने के कारण और जल्दबाजी और इरिटेशन में आकर के ये काम ऐसे लोग करते हैं जिसके कारण प्रॉपर्टियों के अंदर पैसा फंसना, गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो जाना या अपनी ही प्रॉपर्टियों को लेकर के झगड़े शुरू होना, इस तरह के खराब हालात देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर उपाय ना किए जाए तो अपनी ही प्रॉपर्टियां हाथ से निकल जाने का डर भी रहता है और लंबे समय तक पैसा प्रॉपर्टियों के अंदर फंसा रहता है, ना तो प्रॉपर्टी बिकती है और उधर पैसे को लेकर के इतनी कमी के योग बनते हैं जिसमें कई बार कर्ज लेने तक के हालात देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले तो ऐसे लोगों को नीले काले रंग से परहेज रखना चाहिए। अपने घर में जितना भी खराब बिजली का सामान, जंग लगा लोहा, ये सारी चीज़ें घर से बाहर निकालनी चाहिए और चांदी के दो चार बड़े से बर्तनों में गंगाजल भर के चांदी का चौरस टुकड़ा डाल के चांदी का ढक्कन लगा के घर में जरूर स्थापित कीजिए और साथ ही 43 दिन लगातार कम से कम आधा किलो धागे वाली मिश्री ये लेकर के सर से 7 बार उतार के चलती नदी में जलप्रवाह जरूर कीजिए। जलप्रवाह नहीं कर सकते तो किसी मंदिर या गुरुद्वारा में दे सकते हो, लेकिन जलप्रवाह कर दो तो सबसे अच्छा रहेगा। मात्र आप ये उपाय करके देखिए, अगर आपका पैसा प्रॉपर्टियों के अंदर फंसा हुआ है या प्रॉपर्टियां फंसी हुई है, ये उपाय करने से ज़रूर लाभ होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों के साथ आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता।